आज हम पढ़ेंगे मॉडलिंग थ्योरी और इससे रिलेटेड एल्बर्ट बंदूरा का एक्सपेरिमेंट जो कि बोबो डॉल के ऊपर था, जिसे हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ये आज हम देखेंगे। हाय और सभी को नमस्कार, मैं ऋचा गिरी। मेरे चैनल लर्निंग विथ ऋचा गिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो ये अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकन। तो देखते हैं। और हम मॉडलिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली है क्या मॉडलिंग में, क्या होता है। जैसे टीचर बच्चे को मॉडल कर रहे हैं तो यहाँ पे बिना बताए हुए इनडायरेक्टली जो टीचर है वो बच्चे को हिंट देते हैं ताकि बच्चा इमिटेट करे, टीचर को ऑब्जर्व करे। तो ये बच्चा नहीं जानता है कि टीचर इसलिए कर रहा है ताकि वो सीखे, बल्कि बस बच्चा देख के ऑब्जर्व करके वो चीज़ सीखने लगता है, कॉपी करता है टीचर की, इमिटेशन करता है। तो यही मॉडलिंग कहलाता है। मॉडलिंग इज अ काइंड ऑफ विकैरियस लर्निंग इन विच डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नीड नॉट ऑकर। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, टीचर बस अपना बिहेवियर शो कर रहा है, उसे जो चीज़ सिखाना है वो करके वो सिखाता है ताकि बच्चा ऑब्जर्व करे, इमिटेट करे टीचर के बिहेवियर को और सीखे। यहाँ पे स्टूडेंट्स में एरर नहीं होते हैं, एरर की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉपी किया जाता है, इमिटेशन होता है बिहेवियर का। बिहेवियरल मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एल्बर्ट बंदूरा ने इंट्रोड्यूस किया उनके फेमस एक्सपेरिमेंट में, जिसे हम 1961 बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे जिसे हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ बोबो डॉल का यूज किया गया था। ये बोबो डॉल है जिसका बेस स्ट्रांग होता है, हैवी होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है वो लाइट होता है। तो इसे जितना भी पुश किया जाए, मारा जाए, वो गिरेगा और फिर वापस खड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट उन्होंने बच्चों के साथ किए, तो बच्चों को ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया गया। तो कुछ बच्चे ये देख रहे थे कि एक एडल्ट इस बोबो डॉल को काफ़ी मार रहा है, पीट रहा है, उसे वर्बली अब्यूज कर रहा है, और कुछ बच्चे ये देख रहे थे कि एक एडल्ट इस बोबो डॉल के साथ कुछ नहीं कर रहा है। फिर क्या हुआ, बच्चों को वन बाय वन एक खिलौने वाले रूम में ले गया गया, और एक मिनट के बाद उसे बोला गया कि अब उसका टाइम ओवर हो गया है, अब दूसरे बच्चे इस खिलौने से खेलेंगे। और ये इसलिए बोला गया ताकि बच्चों के अंदर एग्रेशन आए, वो गुस्सा हो जाए कि अब उसका टाइम अप हो गया और दूसरे बच्चे अब खेलेंगे। उस बच्चे को बोबो डॉल एक्सपेरिमेंटल रूम में ले जाया जाता था। तो बंदूरा ने ये देखा कि जिन बच्चों ने एग्रेशन बिहेवियर देखा था बोबो डॉल के साथ, वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे थे, मतलब वो इसे मारते थे, हिट करते थे, पुश करते थे, उठाकर पटकते थे और वर्बली अब्यूज भी करते थे। बट जो बच्चे किसी टाइप का एग्रेसिव बिहेवियर नहीं देखे, जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, वो कम एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे थे। तो इस तरीके से बिहेवियरल मॉडलिंग का इंट्रोडक्शन हुआ बाय एल्बर्ट बंदूरा।